एक ट्यूबलाइट कैसे काम करती है? जैसी दिखती है वैसे तो ना करती, तो चलो खोलते हैं इसकी पोल पट्टी। देखो, रिसर्च में ये पता चला कि अल्ट्रावायलेट लाइट के स्पेक्ट्रम में 2537 एंगस्ट्रॉम पर फ्लोरोसेंट लाइट की ऊर्जा मिल सकती है। अब क्योंकि फ्लोरोसेंट लैंप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसमें लगी है दो इलेक्ट्रोड जो बारी बारी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से कैथोड और एनोड की तरह बिहेव करती है, और इसमें आर्गन नाम की इनर्ट गैस भरने के बाद हमने थोड़ा सा मरकरी रख दिया और कांच पर हमने फॉस्फोर की कोटिंग चढ़ा दी। ध्यान देना, ये फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोर है। अब जैसे ही लैंप को ऑन किया, गरम होते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भागने लगे। अब आर्गन तो बन गया यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर जो इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करने लगा। अब इस गर्मी की वजह से मरकरी वेपराइज हो गया। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन मरकरी से टकराया तो मरकरी एटम के पास आई हुई एक्स्ट्रा एनर्जी उसे नाचने पर मजबूर कर देती है। अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए मरकरी रेडिएशन देना शुरू कर देता है, और यही है वो मैजिक रेडिएशन 2537। और जब ये रेडिएशन फॉस्फोर कोटिंग के साथ टकराता है तो ये विजिबल लाइट में बदल जाता है। ऐसे करती है आपकी ट्यूबलाइट काम, और इसे एलईडी समझने की गलती मत करना। वैसे एलईडी की फुल फॉर्म क्या है?